आज जो हम चॉकलेट केक बनाएंगे वो बिना किसी तामझाम और बिना किसी टूल्स के बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे 2 पैकेट मैंने ओरियो बिस्किट लिया है। हर पैकेट 120 ग्राम का है, यानी कि टोटल हमें 240 ग्राम बिस्किट चाहिए। आप अपने पसंद का किसी भी तरह का क्रीम बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डार्क फैंटेसी या अपने पसंद का कोई भी बिस्किट। अब एक जार में सारे बिस्किट्स को तोड़ लेंगे। साथ में 1 कप दूध डालेंगे और इसका बारीक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसको ऐसे पीस के बनाना है जैसे कि इडली की घोल बनती है ना, उसी तरह इसको बनाना है। देखिए इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब एक गैस पे कुकर रखेंगे, लो फ्लेम पे। कुकर की जगह आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें 1 कटोरी नमक फैलाएंगे। साथ में एक स्टैंड रखेंगे, अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो इसकी जगह छोटी कटोरी को रख लें और इसे 2 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। केक टीन को लेंगे, अगर आपके पास केक टीन ना हो तो आप इसकी जगह एल्युमिनियम का कोई भी गहरा कटोरी का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें बटर पेपर डालेंगे, अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो भी कोई बात नहीं, आप इस टीन में थोड़ा सा ऑयल लेके चारों तरफ इसे फैला लें। फिर इसमें 1/2 चम्मच मैदा डाल के इसे भी चारों तरफ फैला लें। इसे हाथों से ऐसे टैप टैप करते हुए चारों तरफ से फैला लें और जो बचा हुआ मैदा है उसे झाड़ के निकाल लें। और तैयार हो गया हमारा नॉनस्टिक टीन। मेरे पास बटर पेपर है तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब एक बड़े बर्तन में जो हमने घोल बना के रखा था उसमें 1 पैकेट इनो डालेंगे और इनो डाल के इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ध्यान रखें इसे ज़्यादा फैटना नहीं है और उसको टीन में डाल के 4 से 5 बार ऐसे टैप करेंगे जिससे कि इसके एयर बबल्स निकल जाएं और जो हमने पहले से ही प्री हीट करके कुकर रखा है उस टीन को इसमें डाल के 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन से सीटी निकाल लेंगे और ढक्कन को बंद नहीं करेंगे, जस्ट इसके ऊपर रख के छोड़ देंगे। बीस मिनट बाद ढक्कन हटा के देखते हैं, लगता है केक बन चुका है। एक चाकू लेंगे और इसके सेंटर में उसकी नोक को डालेंगे। अगर इसके ऊपर घोल चिपकता है तो इसका मतलब कि ये अभी पका नहीं है और इसे पकाएंगे, और अगर घोल नहीं लगता है तो इसका मतलब ये पक चुका है। देखिए ये अच्छी तरह से पक चुका है, अब इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, इसे एक प्लेट में ध्यान से निकालेंगे, इसके ऊपर का बटर पेपर भी हटा लेंगे। देखिए कितना स्पंजी बेस बन के तैयार हो चुका है। इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ध्यान से इसका ऊपर लेयर हटा लेंगे।
एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच चीनी और 4 से 5 चम्मच पानी लेके चीनी का घोल तैयार करेंगे। साथ में 1 कप डार्क चॉकलेट बारीक चाकू से कटे हुए लेंगे। ये डार्क चॉकलेट आपको किसी भी बेकरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। इसे मेल्ट करने के लिए गैस पे गर्म पानी में इस कटोरी को डालेंगे और धीरे धीरे चलाते हुए इस चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। देखिए चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो चुका है, ये अच्छे से मेल्ट हो चुका। अब इसे गैस से उतार लेंगे और इसमें 4 से 5 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। इससे चॉकलेट थोड़ा पतला और शाइनी हो जाएगा। ये देखिए इतना पतला हमें होना करना है। इस शुगर सिरप को केक के बेस पे लगाएंगे, ऊपर से चॉकलेट डाल के इसे चारों तरफ अच्छे से फैलाएंगे। केक का दूसरा सिरा भी ऊपर से रख लेंगे, इसके ऊपर भी शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप डालने से केक सॉफ्ट होता है और जो बची हुई चॉकलेट है उसे डाल के भी चारों तरफ से फैलाएंगे। केक को अच्छे से चॉकलेट से ढक लेंगे। ढकते समय थोड़ी सी गंदगी फैलेगी, कोई बात नहीं, इसे टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे और इसको सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तब तक जो बची हुई चॉकलेट है उसमें फिर से 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल के मिक्स करेंगे। 5 मिनट बाद चॉकलेट को केक के ऊपर डाल के अच्छे से फैलाएंगे। चॉकलेट से पूरे केक को अच्छे से कवर कर लेंगे। ये देखिए हमारा चॉकलेट केक होममेड बनके तैयार हो गया, बिना किसी झंझट के, बिना किसी मेहनत के। देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हो चुका है। इसे कट करके सबको खिलाइए, स्पेशली बच्चे तो इस क्रिसमस और न्यू ईयर पे ये केक खा के बहुत खुश होंगे और इसे हर कोई बना सकता है आसानी से। ये बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी केक बनता है। Thank you for watching.